में जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। सासाराम में 28 मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। डीएम ने सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश जारी कर दिए हैं। और वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर इफ्तार पार्टी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री शाम 6:08 पर ये इफ्तार पार्टी देंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के इंतजाम आज बेहद सख्त हैं। जब नालंदा और सासाराम जैसे बिहार के कुछ इलाके दंगों की आग में झुलस रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, लोग दहशत के मारे घर छोड़कर भाग रहे थे और भुक्तभोगी दहशत की कहानी, प्रशासन की काहली और सरकार के निकम्मेपन का किस्सा आंसुओं की जुबानी सुना रहे थे, तब एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये तस्वीर थी दंगों के दौरान हुई इफ्तार पार्टी की, जिसमें लाल किले की तस्वीर के सामने सिर पर टोपी, कंधे पर गमछा और हाथ में कांटा लेकर खजूर का स्वाद चखते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे। हिंसा के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल होने से आलोचना शुरू हुई तो नीतीश ने सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। अब दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक एजेंट है। अब सियासत की ये गाड़ी और आगे बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पटना स्थित सरकारी निवास पर इफ्तार पार्टी करेंगे। नीतीश की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दलों के कई नेता शामिल होंगे। और हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, जिन जिलों में हिंसा हुई है उन जिलों की क्या तस्वीर है? और आज जुमे की नमाज भी अदा होनी है, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी भी दे रहे हैं पटना में। जी देखिए, बिल्कुल अलग अलग जिलों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जिले जो कि नालंदा और सासाराम है, तो इस समय हम सासाराम बॉर्डर पर ही मौजूद है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी इन दोनों जिलों में बहाल नहीं हुई है। और जुमे की नमाज तक, यानी आज के दिन तक, और ये बात करें अगले शनिवार तक, ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि इस शनिवार के बाद ही शायद इंटरनेट में जो है वो राहत मिले। हालांकि इस बीच में अगर दोनों जगहों की स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। हालांकि भारी सुरक्षा बल दोनों ही जगहों तैनात किया गया है। सासाराम में 28 मस्जिदें हैं जहां पर आज जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है कि मजिस्ट्रेट की तैनाती में तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ की मौजूदगी में जो जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। जब से हिंसा भड़की है उसके बाद ये पहला रमजान का जो फ्राइडे आया है और उसमें जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। और एक अहम बात यह भी कि नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखी है, हर साल उनके घर पर इफ्तार पार्टी होती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिन हालातों में ये पार्टी रखी गई है कि वो किस हद तक जायज है, क्योंकि अभी तक वो किसी दौरे पर नहीं पहुंचे हिंसाग्रस्त इलाके के। जी शुक्रिया अंजलि इस जानकारी के लिए। जी।